आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। बच्चों एवं महिलाओं से अनोखी पहल कर उनके साथ परिचर्चा की। जिला बिलासपुर के तखतपुर नगर के महिलाएं एवं बच्चों को तखतपुर थाना प्रभारी किरण राजपूत के साथ यातायात एवं नारी सुरक्षा के सीखे गुण गुप्ता सामुदायिक भवन में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर थाना प्रभारी किरण राजपूत के साथ रूबरू होकर थाना की ओर से यातायात सुरक्षा साप्ताहिक कार्यक्रम एवं नारी सशक्तिकरण को लेकर बृहद परिचर्चा किया गया, जिसमें महिलाएं लड़कियां एवं विशेष तौर पर उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी किरण राजपूत ने यातायात सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि आज हमने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता करने की आवश्यकता है। हम वाहन तो उपयोग करते हैं, परंतु हम यातायात नियमों के पालन नहीं करते। हम बेखौफ फराटे भरते हैं, जिससे हम कभी कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। न धीरे चलते हैं, न हेलमेट पहनते हैं। यहाँ तक कि लोग शराब के नशे में वाहन चलाते हैं, आगे चलकर के दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। यहाँ चलान पटाना पड़ जाता है तथा उन्होंने बच्चों एवं महिलाओं से सवाल जवाब करते हुए यातायात नियमों के परिपालन करने एवं कराने की अपील की। इसी क्रम में अच्छा जवाब देने वालों को उचित इनाम देने की बात कही। तत्पश्चात नारी सशक्तिकरण को लेकर विशेष लाभकारी गुण बातों को बताया, जिससे प्रेरणा पाकर उनके जैसे अफसर बनने की इच्छा जाहिर किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद बिहारी देवांगन के साथ पुलिसकर्मी एवं नगरवासी भारी संख्या में उपस्थित थे। मैडम जी, मुझे बताइए आज महिलाएं बच्चों के साथ कौन सी परिचर्चा की गई? जी, महिलाओं और बच्चों के साथ आज यातायात सप्ताह के तीसरे दिन परिचर्चा थी कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। चूंकि महिलाएं बच्चे जो हैं और उनके पिताजी हैं, उनके भैया हैं, घर से ही निकल के जाते हैं। यदि मैं महिलाओं को जागरूक करती हूँ कि यातायात नियमों का पालन करें, तो वो अपने घर में जाके बच्चों को, अपने बेटों को, अपने पति को अगर सचेत करती हैं, देवर को सचेत करती हैं, तो एक इंसान के पीछे 10 लोग सुरक्षित हो जा रहे हैं। और चूंकि महिला पूरे परिवार की जो है जीवनदायिनी है और पूरे परिवार को समेट के रखती है, इसलिए महिलाओं से मिलकर और उनसे परिचर्चा किया गया कि हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, यातायात के नियमों का पालन कैसे कराएं। और स्पेशली बच्चों के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था, एक क्विज था, फोटो के माध्यम से पूछा गया कि इसमें क्या चीज़ दिखता है। तो बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह से हेलमेट लगाना चाहिए, एक नियम पालन करिए और 1x1 चलना चाहिए इस तरह से।